यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। आज आप लोगों को बताएंगे कि पॉजिटिव डिग्री का यूज कहाँ होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। जैसा कि हम सभी को पता है कि डिग्री तीन प्रकार की होती है, पहला पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन इट्स सिंपल फॉर्म। जब भी कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सिंपल फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। जैसे गुड, गुड। अब गुड क्या है? अपने सिंपल फॉर्म में है। इसका कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट होता है। यानी जब कोई तुलना ना हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव व्हेन वी कंपेयर, जब हम तुलना करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे हम कहें कि राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन पूजा, यहां पर हम तुलना किए कि राधा क्या है, पूजा से अधिक सुंदर है। तो जहां पे भी हम कंपेयर, कंपेयर से बना है कंपैरेटिव, तो जहां पे हम कंपेयर करेंगे उसको कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, एक वर्ड सुपर से बना है। सुपर मीन्स क्या होता है? सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। जैसे सुपर मार्केट आप बोलते हैं, अब कहना क्या चाहता है कि वो मार्केट जो सबसे बढ़िया हो उसी को बोलते हैं सुपर मार्केट। एक मीन सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे अच्छा हो या सबसे खराब हो। हम कहें कि अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यहां पे हम बोल रहे हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। इन द सेम वे इफ आई से राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन योर कॉलेज, इट मीन्स राधा आपके कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। तो यहां पे क्या, सबसे बढ़कर। तो जहां पे सबसे बढ़कर की बात हो उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आज हम आप लोगों को बताएंगे कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको कॉमन एरर में देता है डिग्री से संबंधित क्वेश्चन, उसको मैं बताऊंगा। देखिए, पॉजिटिव डिग्री का यूज कहां कहां होगा। देखिए, एज, एज या सो एज के बीच ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का ही आप यूज कीजिएगा। एज, एज या सो एज के बीच। अमन इज एज, वाइज एज, अजय। अब यहाँ पे एज, एज के बीच क्या यूज हुआ है? वाइज। आपके एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ पे वाइज के बदले वाइजर करेगा और कहेगा कि फाइंड आउट द एरर पार्ट, गलत पार्ट को चुनिए। तो आप याद रखिए कि एज, एज के बीच क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा। नेहा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज पूजा, यहाँ पे सो एज है और सो एज के बीच देखिए क्या है, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या है, सही है। थर्ड देखिए, इंडिया इज नॉट सो मू पावरफुल एज अमेरिका। अब यहां पे देखिए, सो एज है और सो एज के बीच ये क्या लगा दिया है, मोर पावरफुल। आप सोचिए कि एज, एज या सो एज के बीच क्या होता है, ऑलवेज पीडी होता है, तो ये क्या लगा दिया, लेकिन मोर पावरफुल, इसलिए ये क्या है, गलत है। ऐसे ही आपको देगा एग्जाम में। अगला देखिए, टू, 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 टू के बीच भी ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा। आपको या तो कंपैरेटिव डाल देगा या सुपरलेटिव, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप याद रखिए, टू, टू के बीच क्या होगा, हमेशा पीडी, इट मीन पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा। सी इज टू लेजी टू गेट अप एट 4 o'clock। अब यहां देखिए, टू और टू, इसके बीच क्या है, पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या है, सही है। और सी इज टू लेजियर टू गेट अप एट 4 o'clock। अब यहाँ पे टू और टू के बीच क्या कर दिया, लेजियर कर दिया, यहाँ पे लेजियस्ट भी कर देगा, किसी तरह से आपको क्वेश्चन करके देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टू टू के बीच हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा, इसलिए हमारा क्या है, गलत है। थर्ड देखिए, दिस दैट के बाद ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा, तो आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव लगा कर देगा। माय हाउस इज एट लीस्ट दिस और दैट, कोई भी हो सकता है, बिग। अब यहां पे हम बिग के बदले हम बिगर लिखे, बिगेस्ट लिखे, तो गलत है। इट मींस दिस दैट के बाद ऑलवेज पीडी का ही यूज होगा। थर्ड देखिएगा, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद ऑलवेज पीडी का ही यूज होगा,
कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के बाद ऑलवेज पीडी का सीडी एसडी यूज नहीं होगा. यू आर रिलेटिवली वेल टूडे. देखिए रिलेटिवली दिया है, रिलेटिवली के बाद क्या दिया है वेल. तो वेल क्या है पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए क्या है सही है. द वेदर इज कंपेरेटिवली गुड टूडे. अब यहाँ कंपेरेटिवली है तो रिलेटिवली हो या कंपेरेटिवली हो दोनों के बाद हमें क्या यूज करना है पीडी. इट मीन्स ये भी सही है. अब देखिए द पेशेंट इज रिलेटिवली हेल्दियर या हेल्दीएस्ट. वो आप एग्जाम में रिलेटिवली या कंपेरेटिवली के बाद कोई भी सीडी लगा देगा या एसडी लगा देगा. देखिए यहाँ पे सीडी और यहाँ पे एसडी कोई दे देगा कंफ्यूज करने के लिए आपको. लेकिन आपको याद रखना होगा कि रिलेटिवली और कंपेरेटिवली के बाद ऑलवेज पीडी का ही यूज होगा. इसलिए ये हमारा गलत क्यों हुआ कि यहाँ पे सीडी एसटी लगा दिया, इसलिए ये पार्ट क्या है हमारा गलत है. आप चाहे तो बिना कंपेरेटिवली और रिलेटिवली का भी लिख सकते हैं, लेकिन उस चीज में एक कंडीशन है कि आप ओनली सीडी के यूज कीजिएगा, पीडी एसटी के यूज नहीं कीजिएगा. द पेशेंट इज हेल्दियर टूडे. द पेशेंट इज हेल्दियर टूडे. अब यहाँ पे सीडी का तो यूज हो गया. अब इसके पहले आप चाहते हैं कंपेरेटिवली रिलेटिवली का यूज कर दे तो गलत. यानी इस कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के बिना आप सीडी का यूज कीजिएगा. और देखिए द पेशेंट इज हेल्दी टूडे. अब यहाँ पे देखिए द पेशेंट इज हेल्दी टूडे गलत है. यहाँ पे सीडी का यूज होगा. क्या होगा सीडी तुलना किया गया.